कि सोर्स पे वोल्टेज इन हो रहा है, अगर गेट इनेबल नहीं हो रहा तो गेट पे क्योंकि हाई वोल्टेज है, गेट इनेबल होगा नहीं, क्योंकि पी चैनल मॉस्फेट को गेट इनेबल होने के लिए लो वोल्टेज चाहिए होता है। जब तक यह वोल्टेज लो नहीं होगा तब तक ये सोर्स का वोल्टेज ड्रेन की ओर से पास नहीं करेगा, और जब तक यह वोल्टेज पास नहीं करेगा तब तक यह बैटरी क्या होगा हमारा, चार्ज नहीं करेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं विक्रम, लैपटॉप ट्रेनर, मल्टी टेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं हमारे ये ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं और ये ऑनलाइन लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करते हैं। कहाँ से हैं आप, जरा अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम नवीन कुशवाहा है और मैं दतिया मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। जैसे ही मैंने एक यूट्यूब चैनल पर सर की ऐड देखी थी, इस पर सर का समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, कॉन्टैक्ट करके मैं यहाँ आया और मैंने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया क्योंकि मेरे पास टाइम इतना रहता नहीं था। मैं पेशे से पहले एक CBSE स्कूल में टीचर था, साथ में मैंने सर का कोर्स ज्वाइन किया तो मेरे को लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स बड़ा अच्छा लगा और आज मैं फुल टाइम टीचिंग छोड़कर इसी काम को, रिपेयरिंग के काम को कर रहा हूँ सर के सहयोग से। फ़ोन पर अच्छे से व्हाट्सएप पर ग्रुप पर सपोर्ट मेरे को मिलता रहता है। फिर आगे आज लास्ट डे मेरे पास एक मैकबुक आया जिसे मैंने कभी रिपेयर किया नहीं था, तो इसलिए खोलने में मुझे हेजिटेशन हो रही थी। मैंने सर को कॉल किया कि सर मैंने आपसे मैकबुक के बारे में तो सीखा नहीं, मुझे कोई गाइड कीजिए कि मैं कहाँ इसको रिपेयर करवाऊँ, मेरे कस्टमर से मेरे पास मिला है, मैं कस्टमर को जाने नहीं देना चाहता हूँ। तो फिर उसके बाद सर ने मैंने हेजिटेट होकर पूछा सर से एक्चुअली, क्योंकि मैं तो डेस्कटॉप लैपटॉप सीख रहा था, HP डेल लिनोवो, अब मैकबुक के बारे में मैंने कभी सर से सुना भी नहीं था। तो लेकिन सर ने बड़ी सरलता से मेरे को इतने अच्छे से कहा कि आप तो यहाँ लेके आ जाइए, हो जाएगा। और उस समय मुझे बड़ी कॉन्फिडेंस आया कि मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़ गया हूँ कि मेरे पास किसी भी तरह का कस्टमर आया और मैं कॉन्फिडेंसली उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता हूँ। इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्टूडेंट के लिए इतना बहुत कुछ कर रहे हैं सर, जो डिस्टेंस पर रहकर भी अपने ग्रोथ कर सकते हैं बिजनेस में। जी, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो लैपटॉप लाए हैं ये हमारे पास मैकबुक का लैपटॉप है और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा मैकबुक 1466 का मॉडल है। इसमें क्या प्रॉब्लम है अभी फिलहाल? इसमें एक्चुअली सर वो चार्ज नहीं हो रहा था, बैटरी पहले जितनी चार्ज थी उतनी चली, दूसरी बैटरी लगा के मैंने देखी तो वो बैटरी 70% थी तो वो 63 पे पहुंच गई लेकिन चार्जिंग नहीं ले रहा था, चार्जिंग नहीं ले रहा था। तो फाइनली इसमें जो प्रॉब्लम है वो चार्जिंग का प्रॉब्लम है, तो आज मैं उसी प्रॉब्लम के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और मैं इनके सामने ही रिपेयर कर रहा हूँ इसलिए कि ताकि नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कोई फॉल्ट आए तो इनको वो चीज़ की परेशानी ना हो और इजीली ये भी रिपेयर कर पाए इस चीज़ों को। तो चलिए आज आप लोगों के साथ इस चीज़ों को शेयर करता हूँ और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से हमारा लैपटॉप चार्ज नहीं हो पा रहा। तो चलिए आते हैं बोर्ड पे और देखते हैं इसको। चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ इस बोर्ड के ऊपर कि क्या ऐसा फॉल्ट है और जिस वजह से ये हमारा लैपटॉप बैटरी चार्ज नहीं कर पा रहा। तो बिकॉज़ ये लैपटॉप जो है पूरा ओके कंडीशन में और वो भी रनिंग कंडीशन में है और डिस्प्ले भी आता है, सारा चीज़ें ओके है, बट इसमें जो है बैटरी चार्ज नहीं हो रहा। तो वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि अगर मैकबुक में लैपटॉप चार्ज नहीं होता है तो उसको किस तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा लैपटॉप है तो सबसे पहला कंडीशन ये होता है, थोड़ा मल्टीमीटर को के तरफ देखेंगे आप लोग और यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहला देखिए लैपटॉप अगर वर्किंग कंडीशन में है तो यानी G3H के कॉइल पे वोल्टेज तो बनेगा ही बनेगा। ये देखिए PP बस G3H का कॉइल होता है ये, जो कि ये चार्जिंग कॉइल होता है, इसके कॉइल पे 8 वोल्ट बनेगा आपको, देखिए 8 वोल्ट बन रहा है यहाँ पे, जो कि इसी कॉइल से हर एक सेक्शन में सप्लाई क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो कि अब चार्जिंग कॉइल में जनरली लैपटॉप में क्या होता है कि नॉर्मल अगर विंडोज़ लैपटॉप आप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि चार्जिंग कॉइल से तो सीधा आपका बैटरी कनेक्टर कनेक्ट होता है, लेकिन नॉर्मल लैपटॉप में भी अब ऐसा आ गया है कि वो कॉइल से अब वोल्टेज सेक्शन हर जगह सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होता है और नॉर्मल जो ये मॉस्फेट लगा हुआ है हमारा, अब ये जो मॉस्फेट लगा हुआ है चार्जिंग का वोल्टेज यहाँ से जाता है इस मॉस्फेट के ऊपर और दूसरे साइड से आउट होकर के यहाँ पर बैटरी को चार्ज करता है। तो इसमें कंडीशन ये अप्लाई हो रहा है कि जिस वजह से ये बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, जहाँ तक कि मैंने डायग्नोस किया है इसको।
तो देखिए पीपी बस के कॉइल पे 8 वोल्ट के अप्रॉक्स देखने को आपको मिल रहा होगा, और उसके बाद क्या है कि जब ये वोल्टेज जा रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं मॉस्फेट का नंबर भी आपको नज़र आ रहा होगा, यह पी चैनल का मॉस्फेट लगा हुआ 7137 का, तो यानी यह पी चैनल का मॉस्फेट है। और यहाँ पर जो वोल्टेज है इसके ऊपर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वोल्टेज जो है 8 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका सोर्स हो गया, और गेट पे भी जो है वही सेम वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि गेट पे अगर सेम वोल्टेज आएगा, अगर नॉर्मल लैपटॉप भी रिपेयर करते हैं या मैकबुक भी करते हैं तो भी आपको यह चीज़ें पता होगा कि सोर्स पे वोल्टेज इन हो रहा है, अगर गेट इनेबल नहीं हो रहा तो गेट पे क्योंकि हाई वोल्टेज है, गेट इनेबल होगा नहीं, क्योंकि पी चैनल मॉस्फेट को गेट इनेबल होने के लिए लो वोल्टेज चाहिए होता है। जब तक यह वोल्टेज लो नहीं होगा तब तक ये सोर्स का वोल्टेज ड्रेन की ओर से पास नहीं करेगा, और जब तक यह वोल्टेज पास नहीं करेगा तब तक यह बैटरी क्या होगा हमारा चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि बैटरी ड्रेन तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है चार्ज नहीं हो पा रहा। तो इस केस में हो क्या रहा है, तो इसका डिस्चार्जिंग मॉस्फेट का जो गेट है वो इनेबल नहीं हो पा रहा, जिस वजह से हमारा बैटरी क्या हो रहा चार्ज नहीं हो पा रहा। तो इस केस में अगर देखा जाए तो चार्जिंग सेक्शन प्रॉपर, चार्जिंग आईसी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, और इसमें जब मैंने प्रॉपर तरीके से इसको जब डायग्नोस किया तो इसमें एक फॉल्ट मेरे को मिला, जो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा देखेंगे। अब मैं आपको स्क्रीन की ओर दिखाता हूँ, तो देखिए ये हमारा है स्मार्टिक और ये हमारा है बोर्ड व्यू, ठीक है। तो जब मैंने इस बोर्ड को ओपन किया था तो इसमें एक जगह पे यहाँ पे फंगस लगा हुआ था, जो कि यहाँ पर देखेंगे, और ये आपका जो है इस ये पिन है चार्जिंग रीसेट का पिन, और चार्जिंग रीसेट पिन जब तक काम करेगा नहीं तब तक आपका लैपटॉप चार्ज होगा नहीं, जो क्योंकि यह पिन जो होता है वो आईओ के साथ कम्युनिकेट करता है, ये आईओ यानी एसएमसी इसमें बोलते हैं, जो कि लैपटॉप अगर मैकबुक लैपटॉप में आप काम करते हैं तो आईओ कंट्रोलर को इसमें एसएमसी बोला जाता है, जो कि एसएमसी के साथ इसमें कनेक्ट होता है, क्योंकि बाकी सारे चीज़ें अगर मैं चार्जिंग आईसी के अंदर जो भी चीज़ें मैंने देखा और इस बोर्ड के अंदर, तो ये देखिए हमारा ये चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी के लिए इनपुट वोल्टेज वगैरह जितना भी चीज़ें होता है वो सारे के सारे परफेक्टली ये चीज़ें था वो प्रॉपर ओके है। और यहाँ पर देखेंगे जो ये एसएमसी है जो मैंने आपको बताया, एसएमसी के साथ जो ये पिन है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये पिन, और यहाँ से जो आयो यहाँ पे चार्जिंग आईसी के साथ ये कनेक्ट है, और दूसरे साइड से जो है वो एसएमसी के साथ कनेक्ट है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे एक रजिस्टर के रास्ते से होते हुए यहाँ पे आपका एसएमसी के ऊपर जा रहा होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सारा चीज़ें एकदम ओके है, चार्जिंग आईसी भी ओके है, चार्जिंग आईसी से रिलेटेड भी फॉल्ट नहीं है, बस इसमें क्या है कि एक ट्रैक इसमें मिसिंग हो रखा है, जो कि इस ट्रैक के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ कम्युनिकेट करके कि यह चीज़ें इसमें कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं। देखिए ये इसका टेस्टिंग पॉइंट, ये हमारा रजिस्टर है, ठीक है, जो कि जो रजिस्टर मैंने बताया था वो ये रजिस्टर है हमारा, और इस रजिस्टर से और आईओ को जैसे कि आप बोर्ड व्यू में देख पा रहे होंगे और यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए एक डॉट बना होगा यहाँ पर इस प्रकार का कुछ रजिस्टर का, जो कि यहाँ पर ये है, और इसी रास्ते से होते हुए एक यहाँ पर देखेंगे एक रजिस्टर है जो कि इस बीच में, जो कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है कम्युनिकेशन इसमें नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से हमारा लैपटॉप का क्या हो रहा है चार्जिंग आईसी रिसेट नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से चार्जिंग हमारा जो है इसमें बोर्ड नहीं लोड ले पा रहा। तो चलिए दिखाते हैं आपको, तो इसमें क्या करेंगे हम सिंपल तरीके से इस ट्रैक को मैं बनाऊँगा और उसके बाद मैं आगे की ओर आपको दिखाऊँगा कि क्या ये प्रॉब्लम हमारा रिजॉल्व होता है या नहीं होता है, क्योंकि जहाँ तक जो मैंने ये प्रॉब्लम को देखा है वो इसी से आता है और इसी वजह से, और इस प्रॉब्लम को देखते हैं क्योंकि काफ़ी सारे बोर्डों में ऐसा प्रॉब्लम आता है और ख़ास करके 1466 के मॉडल में। अभी यहाँ से देखेंगे और इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ से, देखिए छोटा सा मैं एक जम्पर का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और जैसे कि आप देख रहे थे कि वोल्टेज आउटपुट कुछ भी नहीं मिल रहा था, और अभी मैं इसको कनेक्ट करूँगा फिर पता चलेगा, क्योंकि इंटरनली ट्रैक अगर ब्रेक हो चुका है तो उसके लिए जम्पर ही हम कर सकते हैं।
ये देखिए जम्पर मैंने यहाँ पे कर दिया है, और यहाँ से फिर मैं बैटरी को यहाँ पे क्या करता हूँ, कनेक्ट कर, जैसे कि देख रहे जम्पर यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है हमारा। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, बैटरी को कनेक्ट करूँगा। ये देखिए हमारा बैटरी है और इसको मैं कनेक्ट करूँगा। अब यहाँ से मैं चार्जर को क्या करता हूँ, लगाता हूँ। ये देखिए चार्जर मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, और उसके बाद मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए अभी यहाँ से वोल्टेज को चेक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि ये प्रॉब्लम हमारा रिजॉल्व हुआ है या नहीं। पीपी बस के कॉइल पे आपको सेम वोल्टेज देखने को मिलेगा जो हमारा मिल रहा था, वही वोल्टेज सेम आएगा यहाँ पे 8 वोल्ट के अप्रॉक्स, ये चीज़ें मिल रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा था कि जो ये वोल्टेज है वो अपना यहाँ पे देखने को मिल रहा है 5.8 वोल्ट है, और यहाँ से देखेंगे अब ये चार्ज करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ से देखेंगे यही वोल्टेज सेम आ गया होगा इसके ऊपर 5.8, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 4.5 के अप्रॉक्स देख रहे हो, और ये वोल्टेज क्या हो रहा था पहले, आउट नहीं हो रहा था। अब देखिए यहाँ से वोल्टेज 5.7 आ चुका है, यानी बैटरी क्या हो गया, चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से देखेंगे गेट पर क्या है, लो वोल्टेज है 4.5 है, और इसके सोर्स पर क्या वोल्टेज है तो 5.8 वोल्ट है, यानी इसके अकॉर्डिंग, इनपुट के अकॉर्डिंग गेट पे वोल्टेज क्या है, लो है, और इस वजह से यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज देखने को हमें मिल रहा है। और यहाँ से देखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल पे यहाँ पे वोल्टेज भी मिल रहा है। बाकी इसको असेंबल करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ परसेंटेज इसमें इंक्रीज होता है या नहीं होता है, तो उसके लिए देखते हैं। हाँ चलिए बंधु, अब देखते हैं इसको इंस्टॉल करके बोर्ड में, अब फिक्स करता हूँ मैं इस चीज़ों को, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये, और उसके बाद देखते हैं परसेंटेज वगैरह इसका बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अब यहाँ से, अब ये हमारा लैपटॉप है और इसमें पहले मैं बैटरी को इंस्टॉल करूँगा। बैटरी मैंने इसलिए निकाल लिया था कि थोड़ा सा चेक करने में आसानी हो और आप लोग बहुत इजी तरीके से देख पाएँ चीज़ों को, मैं आपके लिए था वो। और इस चीज़ों को मैं अब यहाँ पर दोबारा से लगा देता हूँ। और फिलहाल आपको भी अगर लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो ज्वाइन करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को, और जिसमें आपको नॉर्मल लैपटॉप, विंडोज़ लैपटॉप रिपेयरिंग, मैकबुक लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो ज्वाइन करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट। और हमारा जो कोर्स है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है। अगर इनमें से आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन, या अगर हमारे सेंटर तक आप नहीं आ पाते हैं तो आपको ऑनलाइन कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, और उसमें भी काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट मिलता है, जैसा कि आपने स्टूडेंट से सुना और आपसे दो चीज़ें शेयर भी किए उन्होंने। तो और हमेशा आपको सपोर्ट रहता है और उसी के अकॉर्डिंग आप भी कर सकते हैं। देखिए ये हमारा, देखिए बैटरी तो इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जो लगाने वाला हूँ वो मदरबोर्ड को फिक्स करूँगा इसके ऊपर। और केबल वगैरह जो है प्रॉपर तरीके से साइड कर लेंगे यहाँ पे, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो बोर्ड को फिट करने में। और यहाँ पर देखेंगे मैं यहाँ से कीबोर्ड का जो कनेक्टर है वो मैं लगा देता हूँ, और यहाँ से सभी केबल को क्या करना है आपको प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर देना है। ये पावर का भी मैं लगा देता हूँ, पूरी तरीके से नहीं, बस आपको टेस्टिंग करा देता हूँ, बाकी इसका बाद में आराम से प्रॉपर तरीके से संभल हम लोग करते रहेंगे इसको। देखिए मेन मेन चीज़ें मैंने कुछ इसमें कनेक्ट कर दिया है, बाकी इसको ऑन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं इसको एक बार कि बैटरी का जो परसेंटेज है वो अप हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले बैटरी से ये क्या हो रहा था, हमारा लैपटॉप नहीं चल पा रहा था, और बैटरी क्या हो रहा था, चार्ज नहीं हो पा रहा था। तो अभी देखेंगे कि कुछ परसेंटेज इसमें इंक्रीज़ करता है या नहीं करता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसमें। ये देखिए अभी बैटरी लो का एरर आ रहा है, क्योंकि अभी बैटरी चार्ज है नहीं इसमें, चार्ज हो जाएगा जैसे ही, फिर हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को देखेंगे।
और बाकी देखते हैं कि इसमें कुछ परसेंटेज वगैरह बढ़ता है या नहीं, क्योंकि पहले तो इसमें 0% था, अभी देखते हैं क्या परसेंटेज है इसमें। अभी यहाँ पर देखेंगे ये 4% हो चुका है, यानी 4% हो चुका है यहाँ पर। और ये जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर परसेंटेज जो है इंक्रीज हो रहा है। और अभी देखते हैं बाकी इसमें और 1-2% लाइव भी देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि बिल्कुल ड्रेन हो चुका था बैटरी, जिस वजह से थोड़ा सा चार्ज होने में समय लगाता है। और ये देख सकते हैं 4% से अभी 5% हो जाएगा, तो फिर आप लाइव भी देख पाएंगे कि कितना परसेंटेज इसमें इंक्रीज हो रहा। तो इस तरीके के अगर आपके भी लैपटॉप में अगर चार्जिंग का प्रॉब्लम आ रहा है और कोई भी मैकबुक में, या तो आप खुद रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको लैपटॉप रिपेयर कराना हो तो भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के ठीक बैक साइड में है, और यहाँ पे आप आ सकते हैं और ये सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।